गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बख्शी नगर में जो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर आने वाले अटेंडेंट्स और पेशेंट्स को पेश आ रही है वो है यहाँ पे पार्किंग समस्या। टू व्हीलर्स वालों को भी उतनी ही परेशानी पेश आ रही है जितनी फोर व्हीलर ड्राइवर्स को। यहाँ पर जब कोई अपना पेशेंट लेके पहुँचता है तो उसे आधे से एक घंटा तो यही ढूंढने में लग जाता है कि वो अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करे और उसके बाद जीएमसी के अंदर जाए। आजकल जगह जगह जीएमसी में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क ना कर सकें, और इसी वजह से यहाँ आने वाले पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट्स को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कितनी हड़बड़ाहट में या कितनी जल्दबाजी में वहाँ अपना पेशेंट लेकर पहुँच रहे हैं, और ऐसे में अगर उनका इतना समय गाड़ी की पार्किंग ढूंढने में ही व्यर्थ हो जाएगा तो पेशेंट्स की जान पर भी बन सकती है। इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वो कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जो अटेंडेंट्स पेशेंट्स यहाँ पर आएं वो आराम से अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर जाकर अपने पेशेंट को एडमिट करा सकें या उसका हाल चाल पूछ सकें, ना कि आधे से एक घंटा वो यही वेस्ट करें कि पार्किंग कहाँ ढूंढें। सर ये हम यहाँ पे आधा पौना घंटा हो गया मैडम सर हम आए, पार्किंग बिल्कुल यहाँ पे पार्किंग गाड़ी लगाने के लिए कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग की कि हम पेशेंट लेके आए हैं तो हम यहाँ पे आधे घंटे से हम यही देख रहे हैं कि गाड़ी कहाँ लगाएं। ओपीडी के बाहर जो है जगह बहुत पड़ी है लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी लगाई हुई है इन्होंने वो कहते हैं कि यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। अब आप हम आपसे यही अपील है कि आप इनको फैलाएँ कि ये गाड़ी पार्किंग के लिए कोई तो एडजस्टमेंट करें हैं गवर्नमेंट को, यहाँ पर हम पेशेंट देखें या पार्किंग देखें, घंटे हो गए हमें पार्किंग के लिए, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पार्किंग के लिए कुछ करें। हम तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, पार्किंग का तो आप अगर कहें तो बड़ी बुरी हालत है जीएमसी में। आप देख सकते हैं आसपास में कि पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, और यहाँ पे अटेंडेंट आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, मैं कई बार देखता हूँ कि लोग सड़क के बीच में गाड़ी पार्क करना उन्हें मजबूरी पड़ जाती है, और अंदर पेशेंट लेने की जो है वो बड़ी दिक्कत आती है। अटेंडेंट आ रहे हैं उनको भी गाड़ियाँ लगाने में, पार्किंग करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। कोविड में यहाँ से पार्किंग उठा ली गई थी मगर आज आप देखिए आज फिर वही इतनी बुरी हालत है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि पार्किंग का कोई व्यवस्था यहाँ पर करनी चाहिए क्योंकि ये एक एसेंशियल हॉस्पिटल है जम्मू का, और यहाँ पर कैजुअल्टीज आती रहती हैं, और जो पार्किंग का कोई ना कोई सिस्टम हो कि जो कैजुअल्टी आए वो आराम से अंदर जा सके, कोई अटेंडेंट आए, डॉक्टर्स आए, एम्बुलेंसेज आए, उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे गाड़ी लगाने की। ए जियां अस दिखा रहे हैं कि इत्थे तुस कि पार्किंग की बड़ी के बुरी हालत है, तो दिखा रहे कि एमरजेंसी में पहले कोविड हा तो लोग जड़े वो इत्थे आने को आंदे घट गए हे क्योंकि लोगों की टैलीफोन के उपर बुलाया जाता हा तो बड़े लिमिटेड लोग जो उन्हें इतने आने की इजाजत थी। हूँ जदों का यानी कि पार्किंग इन्हें यानी कि लोग भी ज़्यादा आना शुरू हो तो पार्किंग की तो देखो कि इतने कोई व्यवस्था नहीं है, सामने तो देखो कि इतने सारिया रस्सियां रुस्सियां लाई उड़ी दी जिते यानी कि ज़्यादा नहीं है 100-150 गड्डी जी लगी सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने अपने बंदे सिक्योरिटी लाई उड़े तो वो सारे के करते हैं तरसियां लाई उड़ी दी लोगें जी पार्किंग दे गड्डियां जी फुटपाथों पर लाई उड़ी गड्डियां तो गड्डियां इं बेतरतीब लाई उड़ी अगे पिछले लाई उड़ी जिदे कन्ने सारा सिस्टम जो बिगड़ी गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन की चाहिए कि इतने कम से कम जो पहले यानी कि होंदा हा तो कोई ठेका टूका दो ताकि लोग इतने लोगों की सुविधा होनी चाहिए, लोग पैसे देने तैयार न। हूँ जियां मैं कि समझो गड्डी लेके आया तो देखो कि इतने कुत्ते गड्डी लाने की जगह नहीं है, नहीं कोई इतने पेड़ कुत्ते ऐसा सिस्टम रखे दा कि जिते बंदा कोई अपनी गड्डी लाए उत्थे पैसे दे ते चलो आराम करने अंदर जाई सकदा, कोई पेशेंट की दिखना या कोई बीमार की दिखन जंदा ते वो दिख सकदा।